हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस टैबलेट्स पार्ट 6। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने बात कर ली है कि टैबलेट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके एडवांटेज, सम डिसएडवांटेजेस, आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए किसी भी टैबलेट को बनाते समय, कितने तरीके के टैबलेट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू, अगर अपन उसको इंजेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको चार तरीके की टैबलेट्स बताई थी, लाइक जो कि टैबलेट्स इंजेस्ट ओरली कर रहे हैं, अदर देन ओरल कैविटी कर रहे हैं, इन ओरल कैविटी कर रहे हैं, और जो अपन सॉल्यूशन के रूप में ले रहे हैं। उसके बाद बात की थी फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टैबलेट किस तरीके से अपन है जो कि बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि टैबलेट बनाने के लिए अपने को एक तो चाहिए एपीआई और दूसरा अपने को चाहिए एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट एंड टैबलेट जब मिलती है, यानी कि एक्सीपिएंट एंड एपीआई जब मिलते हैं, तब बनता है फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट है जो कि टैबलेट, यानी कि जो अपनी ड्रग है उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज आएंगे, जैसे डाइल्यूएंट है, ग्लाइडेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट, यानी कि टैबलेट बनाने के टाइम पे अपने को कौन कौन सी प्रोसेस को ध्यान में रखना होगा या कौन कौन सी प्रोसेस से अपने को होके गुजरना होगा। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर कंप्रेशन एंड ग्रेनुलेशन मेथड कौन कौन से होंगे, यानी कि जैसे अपन टैबलेट बनाएंगे तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपने एपीआई डिसाइड कर लिया है, आपने कौन कौन से एक्सीपिएंट लेने हैं आपने वो डिसाइड कर दिया है, आपने क्वांटिटीज डिसाइड कर दी हैं। नाउ यू हैव टू मेक अ ग्रेन्यूल्स, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा टैबलेट बनाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स कैसे प्रिपेयर किए हैं और कौन कौन से मेथड से किए थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। फिर उन ग्रेन्यूल्स से टैबलेट को किस तरीके से कंप्रेस किया जा सकता है, कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया, यानी कि इस टाइम पे अपनी जो टैबलेट है वो बनके तैयार है। बट ये जो टैबलेट है क्या ये सही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई डिफेक्ट है तो इस डिफेक्ट को अपन किस नाम से बुलाएंगे और किस किस रीजन से ये डिफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेसिंग प्रॉब्लम और टैबलेट डिफेक्ट, यानी कि आप जब टैबलेट बना रहे हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको टैबलेट में देखने को मिल सकती हैं और किस किस रीजन से मिलेंगी, तो वो रीजन अपने को पता होंगे तो अपन उसे ओवरकम भी कर लेंगे, राइट। तो जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर कैपिंग, लेमिनेशन, चिपिंग, क्रैकिंग, स्टिकिंग, पिकिंग, मोटलिंग, डबल इंप्रेशन, ग्रेन्यूल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर फ्लो, पंच वेरिएशन एंड हार्डनेस वेरिएशन। ये सारी की सारी जो टैबलेट डिफेक्ट है, एक टैबलेट को बनाते समय अगर अपन ने प्रोसेसिंग पैरामीटर्स को ढंग से नहीं फॉलोअप किया, कहीं भी इंटरनल जो पैरामीटर्स थे उनमें कोई प्रॉब्लम रही, तो अपने को इस तरीके के डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। वो क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले है कैपिंग। कैपिंग इज द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन्स ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ टैबलेट, यानी कि बेसिकली कैपिंग एक तरीके का डिफेक्ट है जिसमें जो टैबलेट है उसका या तो अपर पार्ट या फिर बॉटम पार्ट है जो कि उसके मेन पार्ट से है जो कि अलग हो जाता है। अब कैपिंग होने के रीजन्स क्या हैं, तो ऑब्वियस है कैपिंग जो डिफेक्ट है उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। पहला रीजन है एयर एंट्रैपमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस। ऑब्वियस से अगर पार्टिकल्स या जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बड़े बड़े हुए हैं तो उनके अंदर पोरोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, और जब आप इसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल नियर आते हैं और एक टैबलेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट उस दौरान अगर कंप्रेशन सही से नहीं हुआ और अगर उसके अंदर बीच में ज़्यादा एयर रह गई, तो अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर फ्रेजाइल वो होगा या थोड़ा सा भी अपन उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो मे बी पॉसिबल है कि वो है जो कि उसके ऊपर या नीचे वाली लेयर है जो कि टूट जाए। तो पहला है एयर एंट्रैपमेंट। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन द ग्रेन्यूल्स, कि आपने जो ग्रेनुलेशन के अंदर ग्रेन्यूल्स बनाए हैं वो बहुत ही फाइन नेचर के हैं। फाइन नेचर के होंगे तो अगेन ये दिक्कत रहेगी कि उसके अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो नहीं आ पाएगी, तो अगेन कैपिंग यानी कि जो पार्शियल या फिर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप या बॉटम है वो हो सकता है। उसके लिए बचाव ये है कि रिमूव सम ऑफ ऑल फाइन्स थ्रू 100 to 200 मैश स्क्रीन, यानी कि जो फाइन्स हैं उनको अपन कम से कम कर सकें। लास्ट सेकेंड है, देन है टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जो आपका कंटेंट है जो कि अब कंप्रेशन के लिए रेडी है वो या तो बहुत ड्राई है या बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर है, तो भी पॉसिबल है कि ऊपर या फिर नीचे वाली लेयर है जो कि सेपरेट हो सकती है। तो इसके लिए मोस्टली ये दिक्कत तब आती है जब अपना जो सब्सटेंस है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर हो, तो उसके लिए अपने को उसके अंदर उस तरीके की चीज़ें हैं जो कि ऐड करनी पड़ती हैं। अगर आपका जो सब्सटेंस है उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बहुत ड्राई है, तो अपने को वैसे सब्सटेंस ऐड करने चाहिए जो कि उसके अंदर मॉइस्चर प्रोवाइड करवाएं, जैसे कि सॉर्बिटॉल, मिथाइल सेलुलोज, PEG 4000, इस तरीके के। इनसफिशियंट ऑफ अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंड,
एक तो लो मॉइस्चर कंटेंट है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, और साथ ही साथ आपने जब उसे मिक्स किया, जब आपने उसके ग्रेन्यूल्स बनाए, तब आपने जो बाइंडर है वो इनप्रॉपर क्वांटिटी में डाला, इनसफिशियंट क्वांटिटी में डाला, तब वहाँ पे वापस इसकी जब रीप्रोसेसिंग की जाती है तब वहाँ पे प्रॉपर बाइंडर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्री जिलेटिनाइज स्टार्च है, गम एकेशिया है, पाउडर सॉबिटॉल है, पीवीपी है, हाइड्रोफिलिक सिलिका है और पाउडर शुगर है। ये सारे के सारे हैं जो कि बाइंडर्स के रूप में अपन उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर है लेमिनेशन या फिर लेमिनेटिंग डिफेक्ट। अब ये कैपिंग से किस तरीके से वेरी करता है, कैपिंग में तो क्या था कि अपर या फिर बॉटम पार्ट है जो कि अलग हो रहा है, बाकी जो लेमिनेशन है उसके अंदर ये रहेगा कि आपकी जो टैबलेट है वो खुद दो या तीन अलग अलग लेयर्स में है जो कि डिवाइड हो जाएंगी। लेमिनेशन इज द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स, यानी कि अगेन सेपरेशन हो रहा है बट एक से ज्यादा परतें हैं जो कि अलग हो रही है, तो रीजंस हैं वो भी सारे के सारे लगभग वही रहेंगे जो कि अपन ने कैपिंग में पढ़े हैं। उसके अलावा एक रीजन और रहता है, रैपिड डीकम्प्रेशन यूज प्री कंप्रेशन स्टेप, यानी कि बेसिकली बहुत ही जल्दी है जो कि आपका जो पंच एंड डाई जो फोर्स करके सिस्टम को कंप्रेस कर रहा है वो वापस है जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि बहुत ही एक पर्टिकुलर छोटा इस टाइम है जब आपके टैबलेट को कंप्रेशन के लिए वो सेकंड दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए मेन जो है अपन इसी तरीके से उसको बचा सकते हैं कि जो फाइनल कंप्रेशन प्रेशर है उस टाइम पे उसकी स्पीड है जो कि रिड्यूस की जा सके। देन चिपिंग, चिपिंग ऑब्वियस है कि आपका जो मटेरियल है वो चिप रहा है किसी ना किसी सतह के ऊपर, आइदर ही वो पंच पे है या फिर डाईवॉल पे, तो बेसिकली चिपिंग है वो है स्टिकिंग ऑन पंच फेसेस, पंच के जो फेसेस हैं उसके ऊपर अगर आप टैबलेट का कंटेंट थोड़ा भी चिपकेगा तो जो टैबलेट आपके पास मिलेगी वो एलिगेंट इन नेचर नहीं होगी। रीजन क्या होगा, ऑब्वियस है कि जो आप बाइंडर की कंसंट्रेशन है वो थोड़ी ज्यादा यूज कर रहे हो, तो रेमेडी भी क्या होगी कि बाइंडर की कंसंट्रेशन है जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से आप यूज करें। देन क्रैकिंग, क्रैकिंग बेसिकली आपकी जो टैबलेट्स हैं वो इस तरीके से क्रैक हो जाएंगी, और रीजन ये रहेगा कि आप बहुत ही ज्यादा लार्ज पार्टिकल्स यूज कर रहे हो, और लार्ज पार्टिकल्स अगर यूज कर रहे हैं तो अगेन उसके बीच में कुछ पोरोसिटी होगी, स्पेस होगी, तब जब आप उसे कंप्रेस करोगे तब एक बार तो वो कंप्रेस हो जाएगी बट जैसे ही उसे कुछ है जो कि ट्रैवलिंग के अंदर या फिर इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होगी और उसके ऊपर कुछ प्रेशर लगेगा, इट विल क्रैक। देन स्टिकिंग एंड फिल्मिंग, स्टिकिंग एंड फिल्मिंग या फिर पिकिंग की बात करें तो बेसिकली अगेन आपका जो कंटेंट है या तो बहुत ज्यादा ड्राई है या बहुत ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर ऐड कर दिया गया है, इसके कारण जो आपके पंचेज हैं या फिर डाई वॉल्स हैं उनके ऊपर वो स्टिक करता है। स्टिकिंग या फिल्मिंग की बताएं तो इट इज अ स्टिकिंग इज अडहेशन ऑफ टैबलेट मटीरियल टू द डाई वॉल, यानी कि जो डाई वॉल है जिसके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स फिल हो रहे हैं उसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चिपक जाएगा, तो अगेन आपकी जो टैबलेट है वो यूनिफॉर्म या फिर एलिगेंट फॉर्म में नहीं निकलेगी। रीजन्स हैं कि आपने जो ग्रेन्यूल्स है वो बहुत ही ड्राई यूज कर लिए, तो अगर ड्राई यूज कर लिए देन वी हैव टू एड सम मॉइस्चराइजर या मॉइस्टन द ग्रेन्यूल टू एड प्लास्टिसाइजर्स, यानी कि अपने को प्लास्टिसाइजर्स उसके अंदर ऐड करने चाहिए। दूसरा है वी यूज टू मच ऑफ बाइंडर, तो बाइंडर अगर यूज किया तो भी जो चिपिंग की प्रॉब्लम है स्टिकिंग की प्रॉब्लम है वो रहेगी, तो रिड्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ बाइंडर इज अ ऑप्शन। ऑयली मटेरियल अगर आपका रहेगा टैबलेट बनाने के लिए, अगर आपने इस तरीके का कोई कंटेंट उसके अंदर ऐड किया है तो भी स्टिकिंग पॉसिबल है, तो उसमें मे भी पॉसिबल है कि आप कोई दूसरे तरीके के एड्सॉर्बेंट उसके अंदर ऐड करो। फिर है पिकिंग, पिकिंग इज रिमूवल ऑफ टैबलेट सरफेस मटेरियल बाय अ पंच, दिस टू प्रॉब्लम्स रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव मॉइस्चर ऑफ सब्सटेंस विथ लो मेल्टिंग टेम्परेचर इन द फॉर्मुलेशन। पिकिंग भी स्टिकिंग की जैसी है बट जो स्टिकिंग है वो डाई वॉल से स्टिक हो रहा है, वाइल जो पिकिंग है उसमें पंचेस से है जो कि आपका कंटेंट है जो कि स्टिक हो रहा है। रीजन दोनों का कॉमन होगा कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर है या फिर आपका जो सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, तो जब आप उसे मशीन में चलाओगे तो मशीन में फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी और उस हीट के कारण है जो कि आपका सब्सटेंस मेल्ट हो सकता है, उसके अंदर मॉइस्चर आ सकता है और वो स्टिक या फिर पिक हो सकता है आपकी डाई वॉल या फिर पंचेस से। रीजंस की बात करें तो सेम रीजंस, एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रेन्यूल्स, देन वी हैव टू ड्राई प्रॉपरली द ग्रेन्यूल्स, टू लिटल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन अगर होगा तो भी है जो कि पिकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर दैट वी नीड टू इंक्रीज द लुब्रिकेशन लाइक यूज कोलोइडल सिलिका एज अ पॉलिशिंग एजेंट, और अदरवाइज वी यूज लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस, तो उसके लिए रहेगा कि आप हाई मेल्टिंग पॉइंट लुब्रिकेट्स हैं जो कि यूज करो, ताकि इससे क्या होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ड्रग का वो बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ेगा तो अगेन आप जब पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहे हो तो जो ऑप्टिमम वो हीट है उसे वो बियर कर लेगा और आपका सब्सटेंस मेल्ट नहीं होगा, और मेल्ट नहीं होगा तो पिकिंग एंड स्टिकिंग की प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी।
नेक्स्ट है मोटलिंग. मोटलिंग क्या है? बेसिकली इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट विथ लाइट और डार्क एरिया स्टैंडिंग ऑन अदरवाइज यूनिफॉर्म सरफेस. यानी कि बेसिकली जब आप टैबलेट को देखोगे तब आपको जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन दिखेगा, यानी कि कहीं पे आपको थोड़ा डार्क साइड दिखेगा, कहीं आपको लाइटर शेड मिलेगा. वो अब वो क्यों होता है? तो उसके डिफरेंट रीजंस हैं, उसके डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सही करने के तरीके भी अलग अलग हैं. पहला जो रीज़न है कि भाई मोटलिंग यानी कि जो अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों हो रहा है, तो कलर ड्रग्स यूज अलॉन्ग विथ कलरलेस और वाइट कलर एक्सीपियंट्स. यानी कि बेसिकली जो आपकी ड्रग है वो तो कलर्ड है, बट जो आप एक्सीपियंट्स यूज कर रहे हैं वो है जो कि ऑफ कलर के हैं या फिर वाइट कलर के हैं. तो उससे क्या होगा, जब आप उसे मिक्स करेंगे तो अगर वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रखा है तब आपको इस तरीके से डिफरेंट कलर्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे, यानी कि इवन पिंक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. तो उसके लिए क्या होगा, ऑब्वियस है टू यूज अप्रोप्रिएट कलरेंट. यानी कि अब जो आपके व्हाइट कलर सब्सटेंस हैं पहले आप उन्हें अपनी ड्रग के अकॉर्डिंग है जो कि कलर सूटेबिलिटी में कन्वर्ट कर दीजिए. देन इट इज इफ यू कंप्रेस इट देन इट विल बी अ एलिगेंट टैबलेट. अ डाई माइग्रेट टू द सर्फेस ऑफ ग्रेन्यूल्स वाइल ड्राइंग, चेंज द सॉल्वेंट सिस्टम, चेंज द बाइंडर, रिड्यूस ड्राइंग टेम्परेचर एंड यूज अ स्मॉलर पार्टिकल साइज. यानी कि जब आप पार्टिकल्स को ड्राई कर रहे हो, जैसे कि सपोज आपने कलरिंग एजेंट ऐड भी कर दिया, अब जब आपने उसको ड्राई किया है तो अगर वो इम्प्रॉपर ड्राई हो रखे हैं तो क्या होगा, जो कलर है वो केवल ऊपर ऊपर की तरफ से उड़ेगा और नीचे है जो कि थोड़ा सा डार्कर साइड में रह जाएगा. यानी कि मे बी पॉसिबल है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका तो कलर है जो कि लाइटर शेड का हो जाए, बट जो बड़े पार्टिकल हैं जो कि सही से ड्राई नहीं हो पाए हैं उनमें कलर है जो कि माइग्रेट करके एक पर्टिकुलर पोर्शन पे इकट्ठा हो सकता है, और जब आप उन्हें कलर्स करेंगे तो अगेन जो अनइवन कलर है वो आपको देखने को मिलेगा. उसके लिए पैटर्न ये रहेगा सबसे बेस्ट कि या तो आप सॉल्वेंट चेंज कर दो ताकि यूपरेशन बहुत आसानी से हो, माइग्रेशन बिल्कुल ना हो. दूसरा, बाइंडर जो लिया है वो चेंज कर दिया जाए. ड्राइंग टेम्परेचर को अपन चेंज कर सकते हैं या फिर जो पार्टिकल्स हैं उनको सेम साइज का लो या फिर पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दो. देन डबल कंप्रेशन. डबल कंप्रेशन बेसिकली तब आता है जब आपकी टैबलेट के ऊपर आप पर्टिकुलर कोई निशान देखते हो. आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई टैबलेट के ऊपर कुछ ना कुछ है जो कि प्रिंटिंग होती है स्पेसिफिक, उस तरीके की अगर आपके पंचेस हैं तो वहां पे आपको डबल इंप्रेशन टाइप ऑफ डिफेक्ट देखने को मिल सकता है. इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो टैबलेट है वो आपका पंच का इम्प्रिंट है जो कि रिसीव करेगा. यानी कि मे बी पॉसिबल है कि आपकी पंच में क्या लाइन है, किस तरीके की ड्राइंग है, वो आपकी टैबलेट के अंदर आ सकती है. जान पूछ के डाली गई है तो वो ठीक है, बट अगर उस तरीके की इंप्रेशंस एक या दो बार आ रही हैं या अनअवॉइडेबल रीजन से आ रही हैं तो इट इज अ डिफेक्ट. पंचेस है वो मोनोग्राफ और अदर एनग्रेविंग ऑन देम. बेसिकली पंचेस के ऊपर पर्टिकुलर कोई सिंबल्स होते हैं तो वो अपने को उसमें देखने को मिल सकते हैं. रीजन इसका रहेगा ड्यू टू द लोअर पंच डिफेक्ट. लोअर पंच में अगर डिफेक्ट है तो जो इम्प्रिमेंट है या डबल इंप्रेशन है वो सही से नहीं आएगा. देन ग्रेन्यूल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन जैसे कि अपन कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल्स का साइज वेरी करेगा तो वेट वेरिएशन भी होगा, कलर भी प्रॉब्लम आएगी, मोडलिंग में भी दिक्कत रहेगी, कैपिंग भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलेंगी. तो इट इज़ पॉसिबल या इट इज़ नेसेसरी कि आपका जो ग्रेन्यूल्स का साइज है या जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन हो, या बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल ना हो या बहुत ही लार्ज पार्टिकल ना हो या फिर अनइवन साइज भी ना हो. इससे क्या होगा, ये सारी जो दूसरे डिफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आने की चांसेस रहेंगे. तो डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल में कॉज वेट वेरिएशन, साथ ही साथ वेट को वेरिएट भी वो कर सकता है. रीजन ये रहता है कि जो लार्ज ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, लार्ज ग्रेन्यूल्स जब अपन फिल करेंगे तो कम ग्रेन्यूल्स में आपकी कैविटी फिल हो जाएगी, वही अगर अपन छोटे पार्टिकल्स को फिल करेंगे तो ज्यादा क्वांटिटी है जो कि आपकी कैविटी में आ सकती है. तो इसमें तो वेट कम आएगा और इसमें है जो कि वेट ज्यादा आएगा. एट लास्ट अपने को वेट है जो कि इक्वल चाहिए, और वेट इसलिए इक्वल चाहिए ताकि जो ड्रग कंटेंट है वो भी यूनिफॉर्म रह सके. देन पुअर फ्लो. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ग्रेन्यूलेशन फ्रॉम होपर थ्रू द फीट फ्रेम. बेसिकली जैसे एंगल ऑफ रिपोज जो अपन निकालते हैं सिस्टम का फ्लो चेक करने के लिए, तो अगेन अगर पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ग्रेन्यूल्स प्रॉपर नहीं बने, स्फेरिकल साइज का शेप नहीं आया, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो होपर से हैं जो कि यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं होंगे, और अगर यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं होंगे तो अगेन जो वेट वेरिएशन की दिक्कत है वो रहेगी. इसे ओवरकम करने के लिए अपने को जो ग्लाइडेंट है वो प्रॉपर कंसंट्रेशन में यूज करना पड़ता है, और कभी कभार अगर आपने सही ग्लाइडेंट यूज नहीं किया या सही कंसंट्रेशन यूज नहीं की तभी आपको फ्लो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं. सो फॉर रीजन नो और लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइडेंट इज यूज्ड फॉर टू क्वेरी दैट पर्टिकुलर थिंग वी यूज टू एड टेलकम और टॉल्क और कोलोइडल सिलिका विच इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. फिर बात करते हैं पंच वेरिएशन की. वेन लोअर पंच आर
अनइक्वल इन लेंथ। अब जैसे लोअर पंच अगर अनइक्वल इन लेंथ है तो अगेन आपके टैबलेट पे ऊपर पर्टिकुलर वो कंप्रेशन फोर्स नहीं लगेगा और आपकी टैबलेट है जो कि उतनी है जो कि हार्ड नहीं बन पाएगी, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफेक्ट। हार्डनेस वेरिएशन मामूली सा फर्क रहता है, और मामूली से फर्क से भी है जो कि आपकी टैबलेट अगर प्रॉपरली कंप्रेस नहीं होंगी तो डबल इंप्रेशन, इस तरीके के प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। देन हार्डनेस वेरिएशन डिपेंड ऑन वेट ऑफ मटीरियल, स्पेस बिटवीन द अपर एंड लोअर पंच एट द मोमेंट ऑफ कंप्रेशन, यानी कि बेसिकली जो हार्ड वेरिएशन है वो अपन उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसके एडजस्टर्स भी आते हैं, बट आपका उसके अंदर कंटेंट कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट ज्यादा होगा तो फोर्स है जो कि उस हिसाब से लगेगा, कंटेंट कम होगा तो उस हिसाब से लगेगा। तो बेसिकली आपके जो अपर एंड लोअर पंच में स्पेस कितना है द टाइम ऑफ कंप्रेशन, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी टैबलेट कितनी कंप्रेस होगी और कितना उसका वेट होगा। रीजन बेसिकली इसका ये रहेगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल और द डिस्टेंस बिटवीन द पंचेस वेरी। आप उसको कितना वेरी करते हो, आप कितना वॉल्यूम डालते हो, उसके हिसाब से उसकी थिकनेस भी वेरी करेगी और उसकी हार्डनेस भी वेरी करेगी। तो फ्रेंड्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगी कि जो भी अपन टैबलेट्स बना रहे हैं इसके अंदर अपन कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। अभी तो केवल और केवल मैंने उन इक्विपमेंट्स के बारे में बात की है जो टैबलेट पंच करने के लिए काम आते हैं, बट वेट ग्रैनुलेशन बना रहे हैं अपन की, कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उन प्रोसेसिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.